नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश वाधवा। अगर आप एक एनजीओ हैं और अभी हाल फिलहाल में आपका सेक्शन 12 एबी या सेक्शन 80 जी का फाइनल रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट किया गया है किसी टेक्निकल डिले के आधार पर, तो यकीन मानिए इस भीड़ में आप अकेले नहीं हैं। हमारे देश के हजारों हजारों एनजीओस का 12 एबी और 80 जी का रजिस्ट्रेशन, फाइनल रजिस्ट्रेशन बहुत धड़ल्ले से रिजेक्ट किए जा रहे हैं। क्या है ये पूरा मुद्दा और अब हमें आगे क्या करना है, इस पे मैं ये वीडियो आपके सामने लेके आया हूं। दोस्तों, हमारे देश में कुल 14 कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जम्पशंस हैं, यानी कि कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जम्पशन दिल्ली, मुंबई, पटना, भोपाल, जयपुर, पुणे वगैरह। तो इन 14 के 14 कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जम्पशन का यह मानना है, और लॉ में भी ये टेक्निकली लिखा हुआ है, कि प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन लेने के बाद यदि आप चैरिटेबल एक्टिविटीज शुरू कर चुके हैं तो चैरिटेबल एक्टिविटीज शुरू करने के 6 महीने के अंदर अंदर आपको डिपार्टमेंट के पास जाना है फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए। लेकिन आप एक एनजीओ हैं और आप मान के बैठे हैं या मान के बैठे थे कि हमारे पास तो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन है और प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन 3 सालों के लिए वैलिड होता है, ऐसा आपको बताया गया, ऐसा आपको समझाया गया है। जबकि इस कानून का जो दूसरा पहलू है वो कभी आपको नहीं पता था। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन लेने के बाद यदि आप चैरिटेबल एक्टिविटीज शुरू कर चुके हैं तो चैरिटेबल एक्टिविटीज शुरू करने के 6 महीने के अंदर अंदर आपको डिपार्टमेंट के पास 12EB-80G का रजिस्ट्रेशन, फाइनल रजिस्ट्रेशन लेने के लिए आपको जाना होता है। और आप गए नहीं और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जम्पशन ने आपका 12EB-80G का फाइनल रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट कर दिया, आप क्या करें? सो टेक्निकल डिफिकल्टी क्या है? कानून में ही लिखा हुआ है और इसके अलावा इस पर कई बार सर्कुलर भी आए। तो होता क्या है कि आजकल एक तकलीफ और बढ़ गई है। जब कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जम्पशन आपका 12EB का या 80G का रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट करता है तो वो आखिरी में नीचे एक क्लॉज और लिख रहा है कि आज से 10 महीने पहले या 15 महीने पहले या 25 महीने पहले आपको जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दिया गया था उसको भी मैं कैंसिल कर रहा हूं। यहां से तकलीफ और बढ़ जाती है। तो इन 14 के 14 कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जम्पशन का यह मानना है कि जो कानून में इनके पास कोई पावर टू कंडोन ही नहीं है, आपके एनजीओ से 12EB-80G का एप्लीकेशन फाइल करने में डिले तो हुआ है, इस डिले को कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जम्पशन चाह के भी डिले कंडोन नहीं कर सकता, ऐसा इन सभी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जम्पशन का मानना है कलेक्टिवली। तो नतीजतन हजारों हजारों एनजीओ के 12EB-80G के रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट किए जा रहे हैं। आपका भी यही केस है। आपके एनजीओ, आपका एनजीओ कितना भी अच्छा काम क्यों ना कर रहा हो, कितना भी नेक, कितना भी बड़ा काम, कितना भी जेन्युइन काम आप क्यों ना कर रहे हो, लेकिन कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जम्पशन यदि आपके एनजीओ के केस में प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद फाइनल रजिस्ट्रेशन लेने में 6 महीने से ज्यादा का आपने डिले किया है आफ्टर टेकिंग अप दोज चैरिटेबल एक्टिविटीज, तो टेक्निकली आपको 12EB-80G का रजिस्ट्रेशन नहीं दिया जाता है। तो अब करना क्या है? आप एक एनजीओ हैं, आपका 12EB या सेक्शन 80G, सेक्शन 10 क्लॉज 23C या दोनों ही रजिस्ट्रेशन आपके रिजेक्ट हो गए हैं, अब क्या करें? तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, क्या करना है। नंबर एक, सबसे पहले स्टेप नंबर वन, सबसे पहले आपको होने वाले अपने नुकसान का आकलन करना है। आपको कितना बड़ा डैमेज हुआ है या हो सकता है, सबसे पहले तो आपको यह डिटरमाइन करना है। कैसे? आप एक एनजीओ हैं, आपने 6 महीने के अंदर फाइनल रजिस्ट्रेशन अप्लाई नहीं किया था, डिपार्टमेंट ने आपका 12EB का रजिस्ट्रेशन भी रिजेक्ट कर दिया है, 80G का भी रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट कर दिया है, और आखिरी में अब यह भी लिख दिया है कि जो आपको पहले प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दिया गया था उसको भी मैं कैंसिल करता हूं। तो ऐसे केस में यदि आप एक छोटे से एनजीओ हैं, बैलेंस शीट में लॉसेस पड़े हैं, कोई एज सच बहुत बड़ा एसेट बेस नहीं है, तो आराम से चुपचाप अभी फिलहाल बैठ जाइए, आपको कुछ नहीं करना है। आपको अभी हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपनी एक्टिविटीज को हम कर्टेल कर सकते हैं, हम भविष्य में भी कोई एग्जम्पशन नहीं देंगे। अगली टैक्स रिटर्न आपको बहुत ध्यान से भरनी है। ध्यान रखिए, असेसमेंट ईयर 2024-25 की जो आप टैक्स रिटर्न भरेंगे ये ITR 5 पे भरेंगे, आप ITR 7 पे अपनी टैक्स रिटर्न भरने की गलती नहीं करेंगे।
अब आप एक केवल एसोसिएशन ऑफ पर्सन हैं। आपके ऊपर एग्जिट टैक्स के प्रोविजन तो लगते हैं लेकिन आपकी बैलेंस शीट खाली पड़ी है, कोई खास हमारे पास ऐसा बेस नहीं है, तो शांति है मैं कहूंगा, एकदम शांति। अभी आप जैसा एनजीओ सीबीडीटी से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से किसी क्लेरिफिकेशन, किसी सर्कुलर के आने की, किसी रिलैक्सेशन के आने की, ये जो हजारों हजारों एनजीओस के साथ जो टेक्निकल डिले के आधार पर रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट किए जा रहे हैं, इस पर सीबीडीटी से कोई सर्कुलर आ सकता है कि इस डिले को कंडोन किया जाए या डेट को एक्सटेंड कर दिया जाए, तो आप एक छोटे से एनजीओ हैं, 2-4-5 लाख रुपए की ही चैरिटेबल एक्टिविटीज करते थे, आपको अभी कुछ नहीं करना है, वेट एंड वॉच की पॉलिसी आपको अपनानी है, अगली टैक्स रिटर्न ITR 7 नहीं भरनी है, ITR 5 भरनी है, कोई टैक्स एग्जम्पशन आपको क्लेम नहीं करनी है, नहीं तो डिपार्टमेंट आपके अगेंस्ट असेसमेंट प्रोसीडिंग्स लॉन्च कर देता है, ये चेक करने के लिए कि वो NGOs जिनका 12AB का रजिस्ट्रेशन या सेक्शन 10(23C) का रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट किया गया है, क्या उन्होंने कोई टैक्स एग्जम्पशन तो नहीं ली है। तो ऐसे में हमें असेसमेंट प्रोसीडिंग्स फेस करनी पड़ सकती हैं, तो आपको बहुत ध्यान से सही फॉर्म पर बिना कोई टैक्स एग्जम्पशन क्लेम किए अपनी अगली टैक्स रिटर्न भरनी है फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-2025। अब हम एक दूसरा केस डिस्कस करते हैं, दूसरा सिनेरियो डिस्कस करते हैं, कि आप एक छोटे से एनजीओ हैं, आमतौर पर देखा जाता है डिपार्टमेंट आपको 12AB का रजिस्ट्रेशन तो दे देता है, यदि आप अच्छा काम कर रहे हैं, चैरिटेबल काम कर रहे हैं, एक्टिविटीज आपकी बहुत ही जेन्युइन हैं, तो आपको डिपार्टमेंट 12AB का रजिस्ट्रेशन तो दे देता है, ATG का रजिस्ट्रेशन आपका फाइनल रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ऐसे केस में आपके अपने एनजीओ की टैक्स लायबिलिटी एकदम सुरक्षित है, आप पे किसी प्रकार का कोई एग्जिट टैक्स नहीं लगने वाला है, आपको ATG का रजिस्ट्रेशन ग्रांट नहीं किया गया है, रिजेक्ट कर दिया गया है, पिछला ATG का प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन भी रिजेक्ट कर दिया गया है, इसका कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट आप पे नहीं पड़ने वाला है। लेट मी अश्योर यू, इसका आपके एनजीओ पर बहुत बड़ा कोई इंपैक्ट, एडवर्स इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। हाँ, थोड़ी सी तकलीफ होगी कि आपको अपने डोनर्स को मनाना पड़ेगा, नए डोनर्स ढूंढने पड़ेंगे, डोनर्स को आपको समझाना होगा कि साहब हमारा ATG रिजेक्ट हो गया है, या नए डोनर्स ढूंढने होंगे। आजकल क्या होता है, बहुत सारे इंडिविजुअल्स, बहुत सारे कंपनियां नए टैक्स रिजीम के अनुसार अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करती हैं, तो सारे इंडिविजुअल डोनर्स जो नए टैक्स रिजीम के अनुसार रिटर्न फाइल करते हैं, उनको ATG का बेनिफिट वैसे ही नहीं मिलना है। तो आपको अपने डोनर्स को एजुकेट करना है, उन्हें कन्विंस करना है कि यदि वो ATG का बेनिफिट नहीं ले रहे हैं तो उनके लिए यथास्थिति बनी हुई आपके एनजीओ की, वो अब अभी भी आपके एनजीओ को प्रॉपर डोनेशन जारी रख सकते हैं जैसे कि वो पहले दे रहे थे। बहुत सारी कंपनियां CSR की ग्रांट देती हैं, जो कंपनियां CSR की ग्रांट देती हैं उनको सेक्शन ATG का बेनिफिट नहीं लेना होता, उनको मिल ही नहीं सकता है, उनका तो CSR का एक्सपेंस भी अलाउड नहीं होता है। तो ऐसे में यदि आप एक एनजीओ हैं, आपके पास प्रॉपर फाइनल 12AB का पक्का रजिस्ट्रेशन है 5 साल वाला, ATG का रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो आप इन CSR कंपनीज को मनाइए कि साहब देखिए, जो आप हमें CSR ग्रांट देंगी इसका आपको तो कोई बेनिफिट होना नहीं है, आपको तो कोई डिडक्शन लेनी नहीं है, तो दे कैन कंटिन्यू टू गिव देयर CSR फंड्स टू यू, इसमें कहीं कोई तकलीफ नहीं है। अब हम एक आखिरी केस डिस्कस करते हैं कि आप एक बहुत बड़े एनजीओ हैं, आपका 12AB या ATG का रजिस्ट्रेशन या दोनों ही रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने रिजेक्ट कर दिए हैं, और आप एक बहुत बड़े एनजीओ हैं, आप लाखों करोड़ों करोड़ों रुपए की आप चैरिटेबल एक्टिविटीज कर रहे थे, आपकी तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट भी करोड़ों में आ रही है, तो यदि ऐसे में आप एक बड़े एनजीओ हैं, आपका 12AB का फाइनल रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट रिजेक्ट कर दिया है, तो आपके ऊपर एग्जिट टैक्स सेक्शन 115TD के तहत एग्जिट टैक्स की आपके ऊपर लायबिलिटी आ जाती है, जो कि लाखों करोड़ों रुपए की हो सकती है आपके एनजीओ में, वो आपको खुद असेस करना है। तो जो आपकी एनजीओ की बैलेंस शीट में फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज आ रही है, जो बैलेंस बचा हुआ है, इस पे मैक्सिमम मार्जिनल रेट पर 35-40% आपसे टैक्स ले लिया जाएगा। तो अगर आपको लगता है आप एक बहुत बड़े एनजीओ हैं, आप पे एग्जिट टैक्स की लाइबिलिटी आ रही है, आपका जो 12AB या ATG जो आपका रिजेक्ट किया गया है, आप इससे सचमुच में बहुत तकलीफ में हैं, बहुत आहत हैं, आपके तो सारे ऑपरेशन ही रुक जाएंगे। एक एनजीओ का 12AB ATG का रजिस्ट्रेशन इसकी बैकबोन होता है, तो बिना 12AB ATG के आप काम कैसे करेंगे, इंपैक्ट बहुत बड़ा है, डैमेज बहुत बड़ा है। तो आपको कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जम्पशन के ऑर्डर के अगेंस्ट
इमीडिएटली अपील फाइल करनी है बिफोर द ज्यूरिसडिक्शनल इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल। केवल 500 रुपए की गवर्नमेंट फाइलिंग फीस, जिस दिन आपको कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जम्पशन का ऑर्डर मिला है, इसके 60 दिन के अंदर अंदर आप कमिश्नर ऑफ इस फैसले के विरुद्ध ज्यूरिसडिक्शनल इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल में आप अपील फाइल करेंगे। अपनी बात को, जो आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट चला रहे हैं, इतनी बड़ी आपकी जेन्युइन चैरिटेबल एक्टिविटीज हैं, ये एनजीओ सेक्टर ढह जाएगा अगर सरकार इस तरह से 12EB80G का रजिस्ट्रेशन टेक्निकल ग्राउंड्स पर रिजेक्ट करना शुरू कर देगी और एग्जिट टैक्स लगा देगी। तो अगर आप बहुत ही अग्रीव्ड फील करते हैं, तो आपको इमीडिएटली बिना किसी देरी के ये फैसला करना है कि आप इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल में इस फैसले के विरुद्ध आप अपील फाइल करेंगे। 6 से 8 महीनों में आपकी अपील पर सुनवाई हो सकती है और आप अपनी बातों को वहां रखेंगे कि साहब आप कितना नेक काम कर रहे हैं और ये जो टेक्निकल डिले है ये अनजस्टिफाइड है, या और भी कारण हो सकते हैं आपके 12EB80G को रिजेक्ट करने के जो कारण हैं। अगर आपको लगता है ये बिल्कुल गलत कारण है, तो इसको आप ITAT के सामने रखिए। ITAT से आप सचमुच में एक जस्टिस और रिलीफ की आप उम्मीद कर सकते हैं। तो ITAT आपके केस को सुनने के बाद कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जम्पशन को डायरेक्शन दे सकता है कि इस पर दोबारा से विचार कीजिए, केस को फैक्ट्स पे सुनिए और तब आपको दोबारा 80G और 12EB का रजिस्ट्रेशन राइट फ्रॉम द फर्स्ट ओरिजिनल डेट आपको मिलेगा। जब भी मिलेगा वहीं से मिलेगा जहां से आपको मिलना चाहिए था। तो आपके 80G 12A का जो रिजेक्शन हुआ है, इसके साथ प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन भी साथ में कैंसिल कर दिया गया है। अब आपके बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को या ऑफिस बियरर्स को जो फैसला लेना है कि अब आगे क्या, तो उस फैसले को लेने में मेरा ये वीडियो सचमुच में आपके काम आएगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। किसी भी और जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सअप करें, आप हमें दिए गए नंबर्स पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, और मुझे हमेशा की तरह आपकी क्वेरीज को जवाब देने में बहुत ही खुशी होगी। तो मैं समझता हूँ ये वीडियो आपके लिए बेहद काम का है, इसे ज़रूर सुने, अपने बोर्ड में डिस्कस करें और आइए आगे बढ़ते हैं और देश को मजबूत करते हैं थ्रू योर NGO। थैंक यू सो मच। थैंक यू।